कॉपी अपना निकालो फिर। चलो हो गया तेरा खाना फिनिश की नहीं, जल्दी खाओ फिनिश करो। यस बेटा, टुडेज आर टॉपिक इज फ्रैक्चर। व्हाट इज फ्रैक्चर? इन लास्ट टॉपिक वी डिस्कस सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ठीक है? सॉफ्ट टिश्यू, हाँ कल है इंजरीज के, कल हमने डिस्कस किया था बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हाँ, दैट इज स्प्रेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लेसरेशन, ये सारी चीजें कल डिस्कस की थी। इसका आपका प्रिवेंशन क्या है, आपने क्या क्या फर्स्ट एड उनको देना है, आपको कोई भी स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है। नाउ टूडेज आर टॉपिक इज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर सिंपल ब्रेकिंग ऑफ बोन, ठीक है? और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हो तो वहां पे मोस्टली फ्रैक्चर्स वहां पे रेयर हैं, बट चांसेस ऑफ दिस इंजरीज आर ऑलवेज देयर, ठीक है? तो फ्रैक्चर में उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, मांस फटना। मांस फटने को आप जैसे, इसके दो मेन है, एक होता है क्रैम मसल पुल, देन टीयरिंग ऑफ योर मसल्स। हाँ ठीक है, ये भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर इंजरीज होती है। हल्का सा है, ज्यादा ठीक ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है? तो उसके लिए आपको मांस, जब भी ये चीज रिलेटेड आपको इंजरीज है तो आइस बहुत जरूरी है। आइसिंग करो, जितनी आइसिंग कर सकते हो, क्लॉटिंग नहीं होगी आपके, ठीक है? ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होगी है, वो नॉर्मल आपका फंक्शनिंग करना शुरू कर देंगे। क्लॉटिंग होगी है देन इट विल टेक टाइम्स। तो इसमें सबसे पहले लिखो आप स्ट्रेस, सीडियो। तो ये तो देखो, ये तो है ही है। चोट तो मैंने उस दिन भी आपको टॉपिक में स्टार्टिंग में ही कहा है, इंजरीज में, कि इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इंजरीज। अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तब भी, नहीं करते हो तब भी है। हाँ, आइसिंग करो इसमें। बच्चा साइकिल सीखता है, वो हर बार गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है? स्कूटर सीखते हैं, गिरेगा गिरेगा। तो ये तो आपके लाइफ में चलता है, ठीक है? आप लिखो, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस फ्रैक्चर इज स्ट्रेस फ्रैक्चर, STRESS। दिस इज अ सीवियर ब्रशिंग विदाउट विद इन ए बोन। सीवियर ब्रशिंग हो जाती है जब आपका कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, ठीक है? बहुत ज्यादा रगड़ लगी है, हाँ, तो वो आपका एक स्ट्रेस इंजरीज है। देन देर इज ए वन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन, GREEN, ग्रीन स्टिक, STIC, स्टिक फ्रैक्चर। दिस इज कॉमन इन स्मॉल किड्स। इसमें क्या होता है, आपकी बोन बेंड हो जाएगी विदाउट क्रैकिंग, हल्का सा। बच्चों की जो बोन्स होती हैं, ग्रोइंग स्टेज होती हैं, ठीक है? वो खेलते भागते करते हैं, तो इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा क्रैक उसमें आ गया, वो हल्का सा बेंड हो जाएगी, ठीक है? देन देर इज ए वन हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन जिसको हम बोलते हैं बाल के बराबर, हेयर लाइन फ्रैक्चर। हाँ जी, हाँ, SSS, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ग्रीन स्टिक। हाँ, देन आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर, दिस इज आल्सो कॉमन, जिसको हम बोलते हैं बाल के बराबर, हल्का सा, ठीक है? वो उसमें आपको प्लास्टर की भी जरूरत नहीं होती समटाइम। हाँ, वो पट्टी बांध के आप कर लेते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको बॉल लग गई है, ग्लव्स डाले होते हैं आप लोगों ने, बट समटाइम क्या होगा, आपने ये बैट पकड़ा है, थंब के ऊपर भी अब तो उन्होंने पैडिंग दी होती है ना, अदरवाइज क्या होता था, जब हम बैट पकड़ते थे तो यहाँ पे थंब के पास नीचे यहाँ बॉल लगती थी, देन देर इज अ प्रॉब्लम इन फिंगर्स थंब्स। आपने बैट को पकड़ा है, कई बार आप शॉट खेलते हैं तो बैट ऐसे हो गया, इधर बॉल लग गई है, ठीक है? अब यहाँ पूरा तो आपने कुछ एल्बो तो यहाँ डाली होती है, यहाँ बीच में लग गई है, कहीं पे भी रिस्ट के पास लग गई है, तो हल्का सा जिसको हम बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है वो।
दैट इज अ माइल्ड, वो अपने आप भी ठीक हो जाता है. देन नेक्स्ट लिखो कॉम्युनिकेटेड, जिसको कॉम्प्लिकेटेड हम बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर दूं. कॉम्प्लिकेटेड इटसेल्फ क्लियर फ्रॉम द वर्ड, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. मल्टी पर जहां पे बोन्स आपकी क्रैक हो जाती हैं, ठीक है. हाँ, जो बोन्स आपकी ज्यादा जगह से ब्रेकेज हो जाती है. देन मसू कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना सारा काम. डिसलोकेशन तो जॉइंट्स का होगा ना. हाँ, डिसलोकेशन मींस कि जब आप कोई गेम खेल रहे हो, आपका शोल्डर उतर गया है. हाँ, सॉकेट से आपकी ओरिजिनल प्लेस से बाहर आ गया. हाँ, नहीं 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 ये यहाँ पर नहीं लिखना, वो आपको नेक्स्ट आएगा उसमें. नेक्स्ट लिखो आप इंपैक्ट फ्रैक्चर. मल्टीपल इंपैक्टेड फ्रैक्चर. हाँ, इंपैक्टेड फ्रैक्चर्स. इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन जो आपकी उसके जो एंड पार्ट होता है आइदर इनटू अनदर बोन जॉइंट, दूसरा जो आपका एंड वाला पार्ट है दूसरे उसमें चल जाता है, ठीक है ना. बोन्स के इतने फ्रैक्चर्स होते हैं, आपने अब देखा. अब तो नाउ डेज देयर इज अ लेटेस्ट टेक्निक, वो स्क्रू डाल दी है, रॉड डाल दी है, ठीक है. अब तो आपका बहुत एडवांस काम हो गया. अदरवाइज पहले क्या होता था, अभी भी स्टिल आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं बल्टन पार्क में एक बैठा होता है, मालिश कर रहा है, पट्टियां चला देते हैं. यहाँ पे झंडिया वाले पीर के बैक साइड पे एक शॉप है, वो किसी का होता है ना, देखा आपने, डिसलोकेशन हो गया या कुछ हो गया, वो बेम्बूज की वुडन की ऐसी लगा के स्पोर्ट दे के उसको सीधा रख के पट्टी चढ़ा के वो ऐसे ठीक कर देते हैं. ये अर्लियर ये ऐसे ही चलता था, बहुत से लोग ऐसे ही कर लेते थे. बट जितनी आपकी टेक्निक एडवांस हुई, पहले एक्सरे लेंगे आपका, सारा स्कैन करेंगे, बोन कैसी टिल्ट है उसको सही करेंगे, ठीक है. फिर आपका 6 to 4 days वो प्लास्टर कर देते हैं. प्लास्टर किस लिए करते हैं, सो दैट आपकी बोन की मूवमेंट ना हो वहां से, वो वहीं पे रहे. और दिस इज आल्सो इन ए ग्रोइंग स्टेज, जो बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो हीलअप प्रोसेस होते हैं होती है वो फास्ट होती है, सिंपल. अगर आपका कोई छोटे बच्चे का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं. एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे ओल्डर स्टेजेस में आते हैं तो ये इट विल टेक टाइम, तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है. तो ये आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेच फ्रैक्चर हो गया. डेफिनेशन मींस की एंड पार्ट ऑफ बोन, हाँ एंड जो आपका पार्ट होता है वो अनदर बोन पे चले जाएगा. फिर एक आपका फ्रैक्चर आपका विद वाउंड्स, मींस की व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर and come out from the skin. ये भी आपका इस complicated हो जाता है. इसमें क्या होता है, आपको प्लास्टर नहीं आप कर सकते हो. जब वाउंड हो गया आपके, जख्म हो गया है, तो वहां पे प्लास्टर नहीं होता है. नहीं बेटा होगा, पर जब तक आपका वो इंजरीज जो कट लगा है जहां पे वाउंड हो गया वो जब तक ठीक नहीं होगी प्लास्टर नहीं चढ़ेगा. ये एक्सीडेंटल केसेस में बहुत होता है, क्योंकि अगर आप उसको प्लास्टर कर दोगे तो क्या होगा, वो जो हाँ वो आपका जो अंदर वाउंड हुआ है, जो जख्म हुआ है, वो हील अप नहीं होगा प्रॉपर, तो वहां पे फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे केसेस में. तो ये डिफरेंट टाइप के आपके फ्रैक्चर्स हैं. ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अगर किसी को ऐसी इंजरीज होती हैं तो आपने क्या करना, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस यू हैव टू डू.
वन योर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, दिस इज फ्रैक्चर एंड थर्ड वन इज डिसलोकेशन. डिसलोकेशन में आप लिख सकते हो, राइट डाउन व्हाट इज डिसलोकेशन. नॉट बोन, ज्वाइंट. डिसलोकेशन ज्वाइंट्स. हाँ, बोन में नहीं होगा वो, आपका जो ओरिजिनल प्लेस से आपका ज्वाइंट जब डिस्प्ले हो जाता है, निकल जाता है वहां से, उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं. ठीक है, ये डिसलोकेशन हो गया आपका. मोस्टली कहां पे होता है ये आपका डिसलोकेशन? शोल्डर. ठीक है, बहुत से आपने देखा होगा शोल्डर उतर गया जी. व्हेन व्हाट हैपेंड, वो आपका स्ट्रेंथ वहां पे खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी. व्हेन देयर इज एनी दिस टाइप ऑफ डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर, शोल्डर लिख लो, हिप लिख लो, एल्बो, ये होता है, बहुत होता है. और जब ये प्रॉब्लम आपके शुरू हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना होता है, ये बार बार डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है. तो ये डिसलोकेशन मोस्टली कहाँ होते हैं आपके? राइट डाउन, शोल्डर, हिप, एल्बो, ये रिस्ट में भी गुट निकल गया जिसको हम बोलते हैं, एंकल में भी, ये सारे आपके रेसलिंग, कबड्डी प्लेस लिख दो, ये वहां सारे मोस्टली इंजरीज होती है, वो पकड़ना है, धक्के लगाना है, खींचना है, गिर जाना है आपने. ठीक है, तो देर इज 100% आपने देखा होगा वहां पे बैंडेज लगा के खेल रहे होते हैं. ठीक है, मोस्टली जितने प्लेयर्स जो रेगुलर खेल रहे होते हैं सबके हाथों में, बॉडी में पट्टियां चढ़ी होती. ठीक है, तो ये डिसलोकेशन में क्या है मेन चीज आपको क्या है? अब ये जो फ्रैक्चर हो गया है, डिसलोकेशन हो गया, इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? हाउ यू कम टू नो कि फ्रैक्चर हो गया है? आपको कैसे पता लगेगा किसी को, किसी का अगर कोई स्पोर्ट्स में आपका मूवमेंट, तो मसल क्रैम्प में भी नहीं होगी, मसल पुल में भी नहीं होगी, स्प्रेन स्ट्रेन में भी नहीं होगी, आइस लगाने के बाद भी स्वेलिंग ना जाए. फ्रैक्चर का सिंपल है बेटा, जो आपका स्प्रेन स्ट्रेन है, मसल एंड लिगामेंट इंजरीज, उसमें क्या होगा, आप लिटिल बिट उसको पेन को बियर कर लोगे, बट इन द केस ऑफ फ्रैक्चर आपको बहुत सीवियर पेन होगी, बहुत ज्यादा. आपने आइसिंग कर ली है, पूरा आइसिंग करने के बावजूद भी वहां पे स्वेलिंग नहीं जा रही, इट मीन्स देर इज अ लिटिल बिट सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग बोन. और सेकेंड, आप उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकते, आपको इतनी पेन होगी. ये लिगामेंट में भी होता है, अगर लिगामेंट आपका बहुत ज्यादा टीयर अप हो जाए, बहुत ज्यादा उसमें इंजरी ज्यादा हो जाए, तो सेम केस इन दैट. बट इन द केस ऑफ फ्रैक्चर, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज टोटली क्या होगा, स्ट्रेंथ लेस हो जाएगा, आप उससे काम ही नहीं कर सकते. आप वॉक अगर पैर में हो गया, यू कांट वॉक. ठीक है, गरम गरम जब चोट लगती है तब तो आदमी थोड़ा बहुत हिलडुल लगता है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको अपने आप ही लगेगा आई एम नॉट एबल टू मूव. ठीक है, उस पार्ट में आपको बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो ये एक सिम्टम होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दीज आर द सिम्टम्स, तो इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास पेशेंट को उसको लेके जाना बहुत जरूरी होता है. और इसका अल्टीमेटली क्या है ट्रीटमेंट, देन देर इज ए क्या होता है, प्लास्टर. और उसमें भी क्या करना है, होता है आपने कि आपने उस बॉडी पार्ट को, फिंगर्स को, लेग में या हैंड में उसको मूव करते रहना है. ठीक है, आफ्टर 2-3 वीक के बाद वो स्ट्रेंथनिंग के लिए बोल देते हैं डॉक्टर कि यू हैव टू डू सम लिटिल बिट एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. तो ये हम क्यों करते हैं? बिल्कुल, अगर आप ये नहीं करोगे तो वो मसल वीक हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपके स्पोर्ट्स में जो इंजरीज आपको है वहां क्वेश्चन आएगा आपको, राइट डाउन डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, देन यू हैव टू राइट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज.
स्प्रेन स्ट्रेन ये सारी एब्रेशन कॉन्ट्यूजन लेसरेशन इंसिजन ठीक है। अगर आपको पूछा है बोन इंजरी देन यू हैव टू राइट बोन इंजरीज डिसलोकेशन ये तीनों चीजें डिफरेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है सारी इंजरीज लिखनी है देन यू हैव टू राइट पर हाँ फिर इतना बड़ा नहीं आता है बट आपको सॉफ्ट टिश्यू और बोन इंजरीज का पता होना चाहिए। हाँ इसमें सारे फ्रैक्चर आ जाएगा डिसलोकेशन में ज्वाइंट्स आपने बता देने कि क्या होता है व्हेन एवर यू डू एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ओवरलोडिंग आप कर रहे हो समटाइम यू स्लिप डाउन तो आपका जो ज्वाइंट्स है वो ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो जाता है डिस्प्ले हो गया तो निकल गया है। ये केसेस आपको स्पोर्ट्स में बहुत होते हैं कहीं गिर गए आप स्लाइड मार दिए कोई धक्का लग गया जहाँ बॉडी कॉन्टेक्ट होता है मोस्टली गेम्स में ठीक है तो वहां पे इसके चांसेस बहुत है। देन इसके बाद आपको वो लिखाया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंजरीज लिखा हुआ है सारे वो लिखे हैं ना कॉजेज जितने भी हैं हाँ ये सारी बस ये जितने आपको लिखाए हैं पॉइंट्स इसी का ऑपोजिट साइड चल जाओ दैट इज अ प्रिवेंशन ठीक है। आपने अगर इन्हीं चीजों को करना है देखना है आपने वार्मिंग अप करना है प्रॉपर डाइट होनी चाहिए कोचिंग अच्छी होनी चाहिए तो आपकी सारी प्रिकॉशंस में आ गई। अब इसमें बेटा इसी में आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या होती है लिविंग फंक्शन ऑफ लिविंग जो भी आपके लिविंग बीइंग्स हैं उनके फंक्शन के बारे में और जो स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं दैट इज एनाटॉमी जो मूवमेंट फोर्सेस के बारे में करते हैं दैट इज बायोमैकेनिक्स फोर्सेस जो अप्लाई करती हैं ये आप लिख लो ये पता होना फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन नॉर्मली दिस इज रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ योर ऑर्गन्स एंड एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर देन बायोमैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी जो मूवमेंट आप करते हो जो फोर्सेज अप्लाई हम करते हैं इसमें सारा रिलेटेड टू आपका साइंस से आता है एंगल ऑफ थ्रोइंग योर हाँ बायोमैकेनिक्स ट्रेजेक्ट्री कैसे आपका होना चाहिए पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हाँ फोर्सेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका आपकी बॉडी की मूवमेंट में it is very helpful in taking the different trials to improve any technique jo hum lete hain na trials techniques ha jo techniques ko hum improve karte hain ye sari cheeze yahi se pehle kya hota tha humne koi cheez we open the throw any short put javelin throw any throwing event hammer throw koi bhi throw discus throw what are the angle of throwing How we come to know? कैसे पता लगता है अब आपके पास कोई ट्रेनर्स आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो ठीक है आपने उसको बोल दिया ये बहुत शॉर्टकट पकड़ो ये आपने इसको रिलीज करना है 45 डिग्री में 43 में 42 में जो भी आप बोलोगे उसको कैसे पता लगेगा कि ये 44 है 43 है 45 डिग्री ट्रेनिंग से भी कैसे मैंने बोल दिया उसको मेरी हाइट कुछ है आपकी हाइट कुछ है एंगल ऑफ रिलीजिंग हाउ ही कम टू नो वो तो कर लेंगे बेटा अगेन देयर इज अ क्वेश्चन इन ट्रेनिंग मेथड मोस्टली व्हेन वी आर डूइंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वो तो बता दिया आपको इसको ऐसे फेंकना है ये
ऐसे फेंकना, ये फेंकना, ये ऐसे फेंकना, ये कैसे पता लगेगा? सेम द दिस रिगार्डिंग दिस व्हेन यू आर डूइंग इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इन फास्ट पेस योर पल्स इज 140 60 समटाइम 180 हाउ वी कम टू नो दैट इफ यू थ्री आर रनिंग की योर पल्स इज 140 60 से 80 दिस इज ऑल इन बुक and when you are going for practical then totally the judgment of the coach symptom of the trainees ab aapka jo endurance hai aur jo iska endurance hai uska sab mein difference hoga aapki strength mein iski strength mein uski flexibility mein different hoga but when we are giving the training for all suppose we are doing some conditioning warming up exercises then there is a वन क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी पर्सन तो ठीक है तो उसमें हमको क्या करना होता है हमको टारगेट पहले देखना पड़ेगा वी गिव द टारगेट आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कॉलेज में कभी आपने ध्यान नहीं दिया वहां पे उन्होंने क्या किया थ्रोअर्स के लिए उन्होंने क्या एक रखा होता है टारगेट उसको आप वहीं पे हिट करेंगे कोई भी कपड़ा डाल दिया वहां पे क्लोथ डाल दिया उसको टारगेट जो वहां पे केज होता है ना केज जो थ्रोइंग हाँ वहां पे उसको वो हिट करते हैं सेम यू हैव सीन इन द केस ऑफ वॉलीबॉल बेटा वहां पे वो पर्टिकुलर दैट इज मल्टीपर्पज ना दैट इज नॉट फॉर अ सिंगल इवेंट वो मल्टीपर्पज है वहां पे हर बच्चे आएंगे थ्रो कर रहा है कोई शॉर्ट पुट कर रहा है कोई जेवलिन कर रहा है कोई डिस्कस कर रहा है After that, when there is a grouping, जब उनका अपने अपने coaches के साथ आते हैं, then they are doing individual practice. वो फिर अपनी individual practice करते हैं, ठीक है? तो इसी में physiology, आपको biomechanics, then this और क्या लिखा है आपको anatomy, ठीक है? एक आपका और होता है anthropometry, GTMT, that is not related to ओके जेवलिन में देख लो अपना 86 मारा दैट इज द रीजन बेटा बिकॉज इन शॉर्टपुट में क्या आपका हैवी ऑब्स्टिकल है 7.26 केजी उसका वेट होता है जेवलिन का वेट कम होता है इसमें थोड़ा एथलेटिक वाला बंदा चाहिए जो आपका रिलीजिंग पॉइंट आपने देखा कैसे करते हैं लास्ट राइड देखा है आपने उनका लास्ट राइड रिलीजिंग पॉइंट जो लास्ट इसका मतलब आपने देखा ही नहीं है इंडिया का कौन है इस टाइम नीरज चोपड़ा की थ्रो देखी है अरे लास्ट राइड देखा उसका लास्ट राइड मतलब आखिरी जो उसका स्टेप था कैसे अरे फेंकना नहीं बोल रहा हूं बेटा लास्ट राइड क्या किया उसने जब व्हेन ही रिलीज द शॉर्ट पुट गिर जाता है हाँ वर्ल्ड में जितने वो आजकल ये लेटेस्ट टेक्निक होगी है हाँ गिरने की यस ताकि यहां से ये थ्रो आप कर रहे हो तो और उसको फास्ट होने के लिए आप फास्ट मूवमेंट कर रहे हो आगे गिर रहे हो ये अभी लेटेस्ट हुआ आगे वो खड़े खड़े फेंकते थे हाँ इसीलिए ना जब आप और एक्स्ट्रा आपने उसमें पावर आपने डाल दी है बाय यूजिंग दिस स्टेप ठीक है जैसे हम शॉर्ट पुट पहले ऐसे करके फेंकते थे घूम के अब वो क्या करते हैं ऐसे टर्निंग पॉइंट में करते हैं ऐसे घूमेंगे डिस्को पुट मोमेंटम ज्यादा मिल गया आपका रिलीजिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो ये चीजें आपको ये जीटीएमटी एंथ्रोपोमेट्री इट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया स्पोर्ट्स पेडागोगी हो गया स्पोर्ट्स आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं ठीक है जो आपको साइकोलॉजिकली बूस्टअप करते हैं ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं अब इसमें आपका मेन क्या है हमारा जैसे हमने इसमें डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स हैं आपके उसको उसका फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग करनी है अगर आपने सपोज आपने अपनी इंड्योरेंस को इंप्रूव करना है ठीक है
What are the different causes? What are the different component determined for your endurance? हाँ जी, physiological determined condition component for endurance. सबसे पहले इसमें क्या होता है आपका? Aerobic and lung capacity. Aerobic क्या होता है? What is aerobic and anaerobic? बेटा सिंपल है, एरोबिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच वी डू विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट. ठीक है, तो एरोबिक कैपेसिटी आपकी अगर अच्छी होगी, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी, तो दैट पर्सन इज अ गुड फॉर एंडोरेंस. देन बियरिंग ऑफ लैक्टिक एसिड, जो मेन कॉजेज होता है आपका, दैट इज लैक्टिक एसिड. जब आपका ज्यादा प्रोड्यूस बॉडी में हो जाता है तो आपको नेचुरली थकान हो जाती है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिलती है. ठीक है, ये लिख लो आप एक एक दो दो पॉइंट्स. एरोबिक कैपेसिटी, हार्ट और आपका जो लंग्स कैपेसिटी है, देन योर ऑक्सीजन इनटेक, देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो पूरी बॉडी में आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कितनी मिल रही है आपके बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को, देन लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी बॉडी की क्या है, देन मसल कंपोजिशन, एनर्जी रिजर्व, एनर्जी जो आपकी रिजर्व एनर्जी होती है, स्टोर एनर्जी, दीज आर द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट डिटरमाइन द एंडोरेंस ऑफ ए पर्सन. ठीक है, आपकी इनटेक जो ऑक्सीजन की है, लैक्टिक एसिड को बियर करने की कैपेसिटी, एरोबिक आपकी हार्ट की लंग्स की कैपेसिटी, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं दैट दे विल हेल्प फॉर योर एंडोरेंस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके मेनली यूज होते हैं, देन आपका जो आपका सर्कुलेटरी से रिलेटेड है दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कितना ब्लड आपको बॉडी में पंप कर रहा है आपका हार्ट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ हाईली ट्रेन जो पर्सन होता है उसका ज्यादा होता है, पल्स उसकी कम होगी, रिकवरी पीरियड आपका फास्ट होगा, जो इंड्योरेंस इसकी अच्छी होगी है उसका रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट होता है. ठीक है, वो अपना वर्कआउट करने के बाद इमीडिएटली उसकी पल्स डाउन हो जाएगी. जो आपके नॉन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको टाइम लगता है रिकवरी पीरियड में. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग यू कैन, आपको इसमें डाउट है कि कैन यू राइट ऑल दिस पॉइंट इजली? चलो सो कैन